दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं फिर से यहाँ पर काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि होनर का जो V20 है वो चाइना के अंदर लॉन्च हो गया। कल सुबह मॉर्निंग में या फिर आज रात तक जो हम आपको इसके ऊपर एक वॉइस अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसके अंदर सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्राइस क्या रहेगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना अच्छा है कितना नहीं है, वो आप बाद में कमेंट में बता देना, बात कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं काफी सारी न्यूज अपडेट। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट की बात करें निकल के आ रही है यूके मिलिट्री की तरफ से। एक बॉम्ब को मतलब डिफ्यूज करने के लिए एक रोबोट बनाया है जो कि फील करता है जैसे कि एक इंसान फील करता है, लाइक ह्यूमन उसी की तरह फील करता है बॉम्ब को, और उसके बाद जो है वो देखता है और बॉम्ब को समझता है कि किस प्रकार का ये बॉम्ब है और कहाँ से जो उसका वायर काटना है। इस प्रकार का एक रोबोट बना दिया है, सिर्फ बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए बनाया है। स्पेशली जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, अब इंसानों की हानि यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता था बॉम्ब के पास उसे डिफ्यूज़ करने के लिए। अब रोबोट ही ये काम कर देगा। अगर बॉम फट भी गया तो रोबोट ही तो जाने वाला, वो हम फिर से यहाँ पर बना लेंगे। होनर का V20 लॉन्च हो चुका चाइना के अंदर और 2019 का ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन रहेगा। काफ़ी सही चीज़ और सही सब कुछ इसमें दे दिया गया है। इसमें एक पंच होल वाला कैमरा मिलता है फ्रंट में और क्रीन 980 का इसमें CPU दिया गया है। स्पेशल वीडियो यहाँ पर बन रहा है, मॉर्निंग तक आपको कन्फर्म जो है मिल जाएगा। गैलेक्सी S10 प्लस जो है आईफोन X से भी ज़्यादा यहाँ पर स्लिम होने वाला है और स्क्रीन का जो प्रोटेक्टर है वो लीक हो गया है जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार का ये दिखने वाला है। तो काफ़ी अलग हटके, जैसा कि सैमसंग ने बोला था कि एक अलग डिज़ाइन यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, कुछ स्लिम करेंगे, और स्लिम वाली बात तो मैंने काफ़ी पहले आपको यहाँ पर बता दी थी कि अब की बार सैमसंग के जो स्मार्टफोन निकल के आएंगे जो कि हाई लेवल सीरीज़ में चल रहे हैं जैसे कि S सीरीज़ है, नोट सीरीज़ है, वो काफ़ी पतले यहाँ पर निकल के आएंगे। तो ये आ गया निकल के काफ़ी पतला सा। ओप्पो भी जो है अनाउंस कर रहा है यहाँ पर एक वॉइस असिस्टेंट और कर ही दिया है, बरीनो नाम है इसका। जैसा कि सैमसंग का बिक्सबी है, गूगल का गूगल असिस्टेंट है, उसी प्रकार से ओप्पो ने भी अपना बरीनो नाम का असिस्टेंट बना लिया है। काम मतलब उसी प्रकार से करने वाला है जैसा कि गूगल असिस्टेंट और बिक्सबी वगैरह करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पर निकल के आए हैं। तो यहाँ पर पता चला कि डूल कैमरा जो है इन डिस्प्ले यहाँ पर फ्रंट में होने वाले हैं S10 प्लस के अंदर। ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई है। और गैलेक्सी S10 के अंदर जो है LED रिंग के अंदर एक सिमुलेशन जो है फ्रंट कैमरा लाइट यहाँ पर दी जाएगी। होल के अंदर जो है कैमरा होने वाला, तो होल के चारों तरफ जो है एक हल्की फुल्की लाइट यहाँ पर घूमती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार का जो है कि अलग हट के ड्यूल कैमरा एक तो डिस्प्ले में लगाया है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी सैमसंग को, साथ ही जो है उसके चारों तरफ यहाँ पर हल्की सी एक लाइट भी आपको देखने को मिलेगी। ओप्पो जो है काम कर रहा है 10x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम टेक्नोलॉजी के ऊपर। जल्दी जो ओप्पो का जो F90 है उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगी ये वाली टेक्नोलॉजी। तो अब अच्छी बात ये है कि ये 10x हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप ही जो है AI के साथ मिलकर काम करेगी, तो पिक्सल्स जो है क्रेक नहीं होने वाले। अगर फुल जूम यानी 10x जूम के ऊपर भी आप फोटो निकालते हैं तो वहाँ पर पिक्सल्स जो है फटने वाले नहीं हैं, ये भी ओप्पो का कहना है। वैसे देखते हैं आने के बाद क्या कमाल कर पाता है। और गूगल ड्यूओ जो है आज के दिन 1 बिलियन डाउनलोड को कंप्लीट कर चुका है। स्टार्टिंग में अंदर जो है लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, अभी जो है काफ़ी सारे डाउनलोड हो गए, मतलब काफ़ी बढ़िया से चलने लगा है। वीडियो कॉलिंग वगैरह इसमें होती है सबको पता है, लेकिन 1 बिलियन डाउनलोड से एक बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ी बात है। एक मिस्टीरियस जो है नोकिया का ट्रिपल कैमरा जो कि रियर में लगा हुआ है फ़ोन लीक हुआ है। अभी तक इसका नाम सामने निकल के नहीं आया कि किस नाम से जो ये हो सकता है, बाकी जो है बाद में हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी सब के यही जानकारी मिली है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा एक ही सीध में यहाँ पर दिए गए हैं और नीचे की तरफ एक फ्लैश लाइट है। काफ़ी बढ़िया सा लुक तो है इसका, लेकिन नेम अभी तक निकल के नहीं आया है। और PUBG ने जो है पहले 30,000 लोगों को बैन किए थे जो कि हैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनके यहाँ पर अकाउंट्स जो हैं बंद कर दिए थे, मतलब सस्पेंड कर दिए थे। अब जो है 50,000 हो गए हैं, टोटल संख्या जो है 20,000 यहाँ पर बढ़ गई है। क्यों किया है ये सब पबजी ने, ये यहाँ पर चीटिंग कर रहे थे। जो रेडार चलता है साइड में हमें दिखाता है फुटे प्रिंट और जो फायर कोई मतलब बुलेट का निशान दिखाता है, उन सबको ये हैक कर रहे थे, अपने फुटप्रिंट जो है दिखाना ही नहीं चाहते थे, साथ ही जो है लाइफ को भी हैक कर रहे थे। अगर सामने से दुश्मन यहाँ पर फायर कर रहा है, जैसे कि मैं ही यहाँ पर खेल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, कितना ही फायर मुझ पर करता रहे दुश्मन, तो इस प्रकार की कुछ हैकिंग जो भी अकाउंट यहाँ पर कर रहे थे उन सबको जो है हटा दिया है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M30 गिगबेंच की वेबसाइट के ऊपर इसे लिस्ट किया गया है। डिस्प्ले की साइज का तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन MOLED डिस्प्ले यहाँ पर रहने वाली है। Exynos 7885 ऑक्टा कोर 2.2 की गाच से चिपसेट 4GB 128GB
इसके अंदर इस प्रकार से सेटअप रहने वाला, तो आपको ये फोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सैमसंग भी जो है प्लान कर रहा है ड्रोन मार्केट में आने की। ये जो ड्रोन है ये ट्रांसफॉर्मर जो मूवी देखी उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ अपने आप को यहाँ पर चेंज करेगा। यूएस के अंदर जो पेटेंट डिपार्टमेंट ऑफिस है उसके अंदर पेटेंट जो अप्लाई कर चुका है सैमसंग। और इस ड्रोन की खासियत ये है कि इसके अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है। इसके अंदर जो आर्म्स हैं वो फोल्डिंग यहाँ पर होने वाली है। साथ ही जो है कि स्पेसिफिक सेंसर भी इसमें दिया जाएगा। कैमरा सेंसर भी इसमें है, बैरोमीटर, कंपास, अल्ट्रासोनिक, टेम्परेचर, लाइट और अल्ट्रा वायलेट सेंसर से भी जो है लेस होगा। इतनी सारी स्पेसिफिकेशन जो है कि ड्रोन के अंदर आपको मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या कमाल कर पाता है। और किसी भी सैमसंग स्मार्टफोन के साथ इसे अटैच कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसके रिमोट के अंदर भी एक स्क्रीन देने की बात कही है, तो हो सकता है काफ़ी कमाल का सैमसंग जो है ड्रोन बनाकर दे। और कुछ लाइव फोटो जो है नोकिया 9 की भी निकल के आई है। तो बेजल्स जो है नोकिया ने अब की बार भी नहीं सुधारी है। नोकिया 9 के अंदर ऊपर नीचे जो है काफ़ी मोटी मोटी मतलब बेजल्स यहाँ पर दे दिए हैं और कुछ स्पेशल किया नहीं है। और पीछे की तरफ वही मतलब 5 कैमरा का सेटअप है, उसकी बातें आजकल यहाँ पर कुछ कमी ही हो रही है, देखते निकल के आएगा तब। और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी एक बढ़िया सी रिपोर्ट निकल के आएगी। विंडो और जो एक्सबॉक्स है उसके वेबकम यहाँ पर बना रहा है, मतलब उनके लिए वेबकम बना रहा है जो कि 2019 में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। तो दोनों के अंदर जो है यहाँ पर अटैच करा सकते हैं। अब लैपटॉप हो, पीसी हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो जिसके अंदर विंडो चल रही है या फिर कोई भी एक्सबॉक्स हो उसके अंदर आप कैमरा यूज कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट का जो कि बना रहा है स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एक्सबॉक्स के लिए। ये थी दोस्तों कुछ आज की बढ़िया बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट। वैसे तो काफ़ी सारी होती है, सैकड़ होती है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ही आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको पसंद आई होंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो Honor V20 का आपको मिलने वाला है और भी काफ़ी सारे वीडियो। वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, कोई सवाल है कोई सवाल तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।